गाइस अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल आदाब एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस इज अलीजा दिस इज इकरा एंड दिस इज अजमल सो गाइस साडे नाल अज जो साडे एक नवे पार्टनर आए ने इकरा ते मिसबा जो ने उनां नु कोई काम आ गया ते उधर चले गए ने सो सो इदा दी जेड़ी साडी रिएक्शन वीडियो सरदार निदान सिंह जी दे बारे च है जिन्हां नु पंज हत्थां वाला भी कहा जांदा है सो देखने हैं कि उन्हें पांच हत्थां वाला क्यों कहा जाता है और उन्होंने की लाइफ स्टोरी है सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो नाल ही बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि साड़ी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे सो लेट्स स्टार्ट नाउ वीडियो सक्सेस दरा बहुत अच्छा चैनल है मैंने ये वीडियो बहुत अच्छा हां जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सिख कौम दी तवारीख दा हर एक वर्का किसी ना किसी महान सूरमे दी गाथा सुनाउंदा है इन्ने सूरमे इन्ने महान योद्धे शायद ही दुनिया दी किसी होर कौम ने पैदा किते होने संगत च बैठे किसी बच्चे नु इवन पूरी समझ वाले किसी नौजवान नु भी जे कुछ सिख सूरमियां दे नाम गिणाउण लई कह दिता जावे तो कोई विरला ही होगा जो 8-10 तो वध नाम गिणा सके सिख इतिहास दे इहो जे अणगिणत सूरमे हन जिन्हां दे नाम साडियां अणगहलियां करके समय दी रेत विच किते गुम होके रह गए एहो जिहा एक महान नाम है सरदार निदान सिंह जी पंज हत्था दा पिछले वीडियो दे कमेंट विच बहुत सारे वीरा भैणा ने कमेंट किया कि जी निदान सिंह पंज हत्था दे वीडियो बनाओ इन्हां दा नाम निदान सिंह पंज हत्था किवें पिया तां लो जी आप सब दा हुक्म सिर मत्ते प्रवान सरदार निदान सिंह जी पंज हत्था दे वीडियो हाजिर है इस तो पहला भी सिख इतिहास नाल जुड़े बहुत सारे शानदार वीडियोस इस चैनल ते अपलोड हो चुके हन सरदार हरि सिंह जी नलुआ दे जीवन दी सब तो खतरनाक जंग सरदार हरि सिंह नलुआ नु किस तरह धोखे नाल शहीद किया गया बाबा बंदा सिंह जी बहादुर दा ओ इतिहास जो मूवी विच नहीं दिखाया गया महाराजा रणजीत सिंह तो बाद सिख राज दा अंत किवें होया जदों सिखां ने दिल्ली फतेह करके वापस दे दित्ती हाथी दे बरछा मारन दा कंप्लीट साइंटिफिक एनालिसिस ते भाई बचित्र सिंह जी दा संपूर्ण जीवन इतिहास ते कमेंट करके दस्यो कि नेक्स्ट वीडियो तुसी केस टॉपिक ते देखना चाहते हो घोड़ियां दी लिद चुकण तो सिख कौम दे पहले नवाब बने सरदार कपूर सिंह जी ते या फिर सरदार भगत सिंह जी दे आदर्श शहीद सरदार करतार सिंह जी सराबा ते जिन्हां दा नां तां आपां सामने सुनिया है पर इतिहास कोई नहीं जानता या फिर एक होर सनसनीखेज टॉपिक जीवनी शहीद जसवंत सिंह जी खालड़ा दी जिन्हां पंजाब दे उस काले दौर विच पुलिस वल्लों हजारां नौजवानां दे मारे जाण दी साजिश तों पर्दा चुक्या सी ते इसे कारण ही बाद विच उन्हां नूं भी शहीद कर दिता गया इस तों अलावा अकाली फूला सिंह जी बाबा दीप सिंह जी गदरी बाबे जिस भी टॉपिक ते तुसीं वीडियो देखना चाहुंदे हो कमेंट बॉक्स विच टाइप जरूर करियो जिस टॉपिक नूं सब तों वध कमेंट मिलणगे अगला वीडियो उसे टॉपिक ते ही तुहाडे सामने हाजिर किया जाऊगा ते आओ हुण वापस आउणे हां अपने टॉपिक ते सरदार निदान सिंह पंज हत्था दा पूरा जीवन खालसे दे हलेमी राज दे पक्ष विच खंडे गड़कौंदिया ही बतीत होया सी इतिहास विच एहो जिहा अणगिणत जंगा दा जिक्र मिलदा है जो खालसे ने इस महान जरनैल दे बलबूते जीतियां ते उन्हां दा शरीर भी इस इतिहास दी गवाही भरदा सी जंगा जुद्दा लड़दियां लड़दियां उन्हां दे शरीर ते 4 इंच जिन्नी थां भी नहीं बची सी जिथे कोई फट ना लग्या होवे इस तों अलावा सरदार निदान सिंह जी पंज हत्था ने लंबे समय तक महाराजा रणजीत सिंह दे अंग रखक दी सेवा भी निभाई सी महाराजा रणजीत सिंह जी जदों भी किसी विदेशी हुकमरान नूं मिलन जांदे तां सरदार निदान सिंह जी पंज हत्था खास तौर ते उन्हां दे नाल ही हुंदे सन इतिहास गवाह है कि जदों एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी दा एक अफसर लाहौर दरबार महाराजा रणजीत सिंह नूं मिलन आया सी तां निदान सिंह वल वेख के उसने महाराजे नूं सवाल कीता सी कि तुहाडे इस बंदे विच इहो जिहा की खास है एदे केड़ा पंज हत्थ हन जो तुसी इस दा नाम पंज हत्था रख्या होया है उस अफसर ने एह गल शायद इस लई कही क्योंकि वेखण नूं सरदार निदान सिंह बस दरमियानी कदकट्ठी वाले सधारण मनुखी लगदे सन अंग्रेज अफसर दी गल सुन के महाराजा रणजीत सिंह ने जवाब दिता कि जनाब रब दा शुक्र मनाओ कि हजे तक तुहानूं जंगे मैदान विच निदान सिंह दे पंजे हत्थ वेखण दा मौका नहीं मिलिया जिन्हां इक वार जंगे मैदान विच निदान सिंह दे पंजे हत्थ चलदे वेख ले हन ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਉਸ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨਿਦਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਹੱਥਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ 1823 ਚ ਲੜੀ ਗਈ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਜੰਗ ਚ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾਈ ਸੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਖੂਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਗ ਰੱਖਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨਾਲ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਵਾਂਗ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਥੋੜੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ
अफगानी फौज के आगू ने तुरंत मौका वेख के जुगत बनाई ते अपने सब तो चोटी के पंज तलवारबाज महाराजा रणजीत सिंह नूं खत्म करन लई भेज दिते। उन्हां पंजे अफगान लड़ाकियां ने इकट्ठे ही महाराजा रणजीत सिंह ते हमला कर दिता। हालांकि महाराजा रणजीत सिंह भी बड़े तगड़े योद्धे सन, पर उस समय तक उस सवेर तो जंग विच लड़दे लड़दे थक के चूर हो चुके सन। उपरों एक दे मुकाबले दुश्मन फौज के सब तो चोटी के पंज तलवारबाज महाराजा नूं हुण इन्हां नाल मुकाबला करन च औखियाई महसूस हो रही सी। एक अफगान लड़ाके ने घोड़े की पिछली लत्ते वार किया, पीड़ नाल तड़फदे घोड़े ने जोर दे झटका मारिया ते महाराजा नूं जमीन ते सुट दिता। तेज रफ्तार घोड़े तो थल्ले डिगण नाल महाराजा दे कई थां ते सट्टां वज्जियां ते लहू वगणा शुरू हो गया। एक अफगान लड़ाके दे जोरदार वार नूं रोकण लई महाराजा ने अपनी ढाल अगे कीती। वार इन्ना जोरदार सी कि ढाल नाल वार तां रुक गया, पर झटके नाल ढाल हत्थों छुट के थल्ले डिग गई। पंजे लड़ाके घेरा बना के महाराजे ते तड़ा तड़ वार कर रहे सन, क्योंकि उस समय जंगा आगुआ ते जरनैलों के सिर ते ही लड़िया जांदियां सन। इंज लग रहा सी कि हुण किसी भी पल कोई भी एक वार इस जख्मी शेर की जीवन लीला का अंत कर देगा। ते इस जंग च हार दे नाल नाल एशिया दे सब तो वड्डे ते शक्तिशाली खालसा राज दा अंत हो जाऊगा। पर उसी समय दुश्मन फौज नूं चीरदे होए निदान सिंह उत्थे पहुंच गए। महाराजा दे सामने कंध बन के उन्होंने अफगानियां नाल आडा ला लिया। हुण पलड़ा खालसे दा भारी हो गया सी। निदान सिंह जी इन्नी तेजी नाल शमशीर चला रहे सन कि उन्हां पंजा तो भी मुकाबला करना औखा हो रहा सी। ते अगले कुछ कु मिंटां च निदान सिंह ने एक एक करके उन्हां पंजे अफगानी लड़ाकियां नूं गड्डी चढ़ा दिता। ते सोधण तो बाद उन्हां पंजा दीआं तलवारां इकट्ठियां करके महाराजा रणजीत सिंह दे चरणां विच भेटा कर दित्तियां। महाराजा रणजीत सिंह निदान सिंह दी इस बहादुरी तो बहुत ज्यादा प्रभावित होए। उन्हां निदान सिंह नूं गलवकड़ी विच लै लिया ते चोटी दे पंज तलवारबाजां नूं सोधण कारण महाराजा ने कहा कि इह तां मेरा पंज हत्था सरदार है। ते उस दिन तो इह सूरमा निदान सिंह पंज हत्था दे नाम नाल जाणिया जाण लग पिया। ईवन उस दिन तो सानूं लाहौर दरबार दे सरकारी कागजां च वी उन्हां दे नाम निदान सिंह पंज हत्था लिखिया मिलदा है। सो इह सी इतिहास खालसा राज दे चढ़दी कला वाले जरनैल सरदार निदान सिंह जी पंज हत्था दा। मैनूं विश्वास है वीडियो नूं लाइक तां तुसीं कर ही दित्ता होणा। आओ आपां सारे रल मिल के बाबे नानक दे घर दा प्रचार करिए ते पुन्न खटिए। इस वीडियो नूं वध तों वध जिन्ना हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप विच शेयर जरूर करियो तां जो साडी नवीं पीढ़ी अपने धर्म दे माणयोग इतिहास नूं जाण सके। ते जे तुहानूं इह वीडियो किसी ने व्हाट्सएप ते शेयर कीता है या तुसीं इस चैनल ते नवे आए हो तां सक्सेस दा राह यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर दिओ ताकि इस चैनल ते जदों भी नवा वीडियो अपलोड होवे तुहाडे तक संदेशा पहुंच जावे। ते जाण तों पहला कमेंट बॉक्स विच वाहिगुरु जी लिख के अपनी हाजिरी जरूर लवा दिओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो गाइस, अज असीं निदान सिंह जी दे बारे च जानिया जिन्हां नूं पंज हत्थां वाला कहा जांदा है, और देखिया कि उन्हां नूं पंज हत्थां वाला क्यों कहा जांदा है। कि जिस तरह महाराजा रणजीत सिंह जी जो ने वो मतलब अफगानियां दे शिकंजे च आ गए ते उन्हां दी मतलब ऑलमोस्ट वो मरण वाले सन, शहीद होने ही वाले सन, के निदान सिंह जी ने पिछों आके उन्हां दा मुकाबला कीता और उन्हां नूं कतल करके जो तलवारां ने वो महाराजा रणजीत सिंह जी दे कदमां च पेश कीतियां ते उन्हां ने जिथों मतलब उन्हां दा नाम पिया सी के पंज हत्थां वाला, के तू मेरा पंज हत्थां वाला सिंह है। और जो महाराजा रणजीत सिंह जी ने जो इंडिया पंजाब है ना के उन्हां दा महाराजा सन, बल्कि जो इधर वाला पंजाब है वो उन्हां दे भी महाराजे सन, राजा सन। लाहौर दे विच उन्हां दा तख्त सी और मतलब उन्हां नूं शेरे पंजाब भी कहा जांदा है, क्योंकि पहले एक ही पंजाब सी ते हुण जो अलग अलग हो गया, लेकिन फिर भी उन्हां नूं शेरे पंजाब कहा जांदा है। सो जो भाई निदान सिंह जी ने उन्हां दे मतलब स्टोरी दे बारे च जान के अच्छा लगा कि किदां मतलब उन्हां ने जो है पंज चोटी दे खिलाड़ियों दा मुकाबला कीता और जो है महाराजा रणजीत सिंह जी दी जान बचाई। सो गाइस, वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी सी, बहुत इनफॉरमेशन वाली सी। या कि उन्होंने पांच हत्थां वाला क्यों कहा जाता है, किस तरह उन्होंने यानी के पांच हत्थां दा जो एक लकब, हाँ लकब खिताब वगैरह होंदा वो अपने नाम कीता गया सी उन्होंने। सो गाइस, वीडियो बहुत अच्छी सी और मैं फर्स्ट टाइम इस तरह की वीडियो ते रिएक्शन कीता। अगर यानी कि नेक्स्ट टाइम भी मैनूं मौका मिलिया मिस बगी ते चली गई फिर मैं जरूर रिएक्शन करिया करांगी। सो एलिजा, थाडी की राय है वीडियो बारे? बिल्कुल जी, मैनूं वाकई ही बहुत ज्यादा वधिया लग्या। इस तों पहले मैं इहनां दा नाम भी नहीं सुनिया होया सी कि सिख हिस्टरी दे विच कोई निधान सिंह भी है ने। बहुत अच्छा लग्या मैनूं उहनां दी मतलब हिस्टरी दे बारे च जान के कि उहनां नूं पंज हत्थां वाला क्यों कहा जांदा सी। उह मतलब बहुत अच्छा काम कीता एंड वाकई इस तरह दी वीडियोज नूं जरूर शेयर करिया करो ताकि सानूं जो आने वाली न्यू जनरेशन है उहनां तक इह पैगाम पहुंचे। बिल्कुल।
ਸੋ ਗਾਈਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।